डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिक्स, जिसका कोड 204 है, उसके आंसर की को डिस्कस करेंगे। आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा अगर आप मेरा एमसीक्यू लेक्चर देख के गए होंगे तो, क्योंकि मेरे 4-4.5 घंटे के एमसीक्यू लेक्चर से लगभग 35+ एमसीक्यू आया हुआ है। आप मेरा एमसीक्यू को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर चेक करिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। बस 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से आए हुए हैं, और मैं पढ़ाते टाइम आपको बताया भी था कि मैथ का ये ट्रेंड है कि एग्जांपल में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है। अब लेक्चर अगर देखेंगे तो बीच में मैं बताता था कि आप बुक के एग्जाम्पल को देखते रहिए, उसके रिजल्ट को भी अपने दिमाग में सेट करते रहिए, वहाँ से भी डायरेक्ट एमसीक्यू बनाया जाता है। तो अगर ये भी टेक्निक अपनाए होंगे तो आपका 40 out of 40 एमसीक्यू सही होना चाहिए। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा कि फॉर कॉमन कैटेनरी, कह रहा कॉमन कैटेनरी के लिए कौन सा इक्वेशन इससे करेक्ट होगा। तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा y = c² + s². देखिए, पहला क्वेश्चन ही आप देख रहे होंगे जो मैं वीडियो डाला था उसमें से आया हुआ है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर आप जो क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, अगर तुरंत वो क्वेश्चन दिख जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और डेफिनेटली आपका पेपर तब अच्छा जाता है ऐसे कंडीशन में। सो इस वजह से अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 5वें और 6वें सेमेस्टर में भी आपको थ्योरी सहित एमसीक्यू पूरा कराया जाएगा। DDU के टीचर द्वारा आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ DDU से जुड़े टीचर द्वारा ही आपको एमसीक्यू भी कराया जाएगा। जुलाई से ये सब कुछ इस चैनल पर स्टार्ट हो जाएगा, आप वहाँ जाके अच्छे से अपने मैथ का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फॉर अ कॉमन कैटेनरी द रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट हीट। देखिए, ये भी क्वेश्चन कराया गया है। फर्स्ट अभी तक 2 क्वेश्चन लोग देखे हैं, दोनों का दोनों देखिए एकदम सेम आया हुआ है, ऑप्शन भी सेम है। ठीक, तो कॉमन कैटेनरी के लिए जो टेंशन टी और जो ऑर्डिनेट वाई होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, t = क्या होगा, wy होगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इफ टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ अ कैटेनरी एंड टी नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट सी देन। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको कराया गया था, थर्ड नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, अभी तक तीनों का तीनों क्वेश्चन मिला है। इससे क्या होता है, जब क्वेश्चन आपको लगातार मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई जाता है, और उस कंडीशन में 2 प्रोबेबिलिटी रहती है, एक तो आप गलत भी कर सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके, लेकिन अगर अपने ओवर कंट्रोल बना के पेपर किए होंगे, कंट्रोल करके पेपर किए होंगे, डेफिनेटली गलत नहीं हुआ होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी इज। देखिए, ये भी आपको कराया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए, अभी तक लगभग चारों में से चारों क्वेश्चन आपको सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन सहित मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, आगे अब मिलाते जाइएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन ये भी देखिए कराया गया था। 5वें नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, कह रहा है कि इन द इक्वेशन y = c sec i ऑफ अ कैटेनरी, सी इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है, पैरामीटर ऑफ कैटेनरी। ओके, 5वें नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैं नहीं कराया था लेकिन ये आपके बुक में से उठाया हुआ क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2 बी रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन अ परफेक्टली रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ अ रेडियस ए, द इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम विल बी स्टेबल आर अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज। ये कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 6 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अगर स्टेबल होगा तो बी इज लेस देन ए होना चाहिए, और अनस्टेबल होगा तो बी इज ग्रेटर देन ए होना चाहिए। ओके, तो इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन भी आपको कराया गया था। बस अभी तक 7 क्वेश्चन में से बस 6वां नंबर क्वेश्चन नहीं कराया गया आपको, मैं बताऊँ ना 3-4 क्वेश्चन आपके बुक के एग्जांपल में से आया जो मैं नहीं करा पाया था। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन भी देखिए आपको कराया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे दे रहा है कि 5 वेटलेस रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर ज्वाइंट टुगेदर सो एज टू फॉर्म अ
rhombus ABCD with one diagonal VD. If a weight WB attached to C and the system is suspended from A, then the thrust in the rod BD is equal to, कितना आ रहा था, W by root 3 आ रहा था, ठीक, ये आपको कराया गया है, W by क्या होगा, root 3 होगा, ओके। अब देखिए यार्थ नंबर क्वेश्चन भी आपको कराया गया है, इन द पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडीज, ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया था, क्या होगा जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन रहता है तो उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बॉडी का वो क्या होता है, मिनिमम होता है, ओके। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए आपको कराया गया था, नाइन नंबर क्वेश्चन करा कि इफ आर इज इक्वल टू जीरो जी इज इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम इज, नौवें नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जब मैं मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन बनाया था तभी आपको बताया था कि 4 से 5 घंटे का आपको MCQ लेक्चर दूंगा और वो आपका कल्याण कर देगा, तो अगर आप इस स्टेटमेंट पर ध्यान दिए होंगे तो आज आपका डेफिनेटली कल्याण हो गया होगा, अगर इग्नोर किए होंगे वहाँ पे तो पेपर में भी आपके साथ क्या हुआ होगा, आप उस अच्छे से देख रहे होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द पिच पी इज गिवेन बाई, ठीक, ये रिलेशन भी करा गया था आपको, जो 10 नंबर क्वेश्चन होगा इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए मैं एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं कराया था, ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन करा कि एक्स वाई जेड एक्स एलॉन्ग द 3 lines गिवेन बाई द इक्वेशन y इजक्ल टू जीरो जेड इजक्ल टू सी जेड इजक्ल टू जीरो एक्स इजक्ल टू ए एक्स इजक्ल टू जीरो वाई इजक्ल टू बी, देन जो मैं इसके फॉर्मेट करा था उसमें बस इसके वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है, वहाँ पर वैल्यू क्या बदल गया, इस तरह क्वेश्चन करा था लेकिन एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं कराया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा, एल इजक्ल टू क्या होना चाहिए, बी जेड होना चाहिए, एम इजक्ल टू क्या होना चाहिए, सी एक्स होना चाहिए, और एन इजक्ल टू क्या होना चाहिए, ए वाई होना चाहिए, ठीक। तो ए नंबर वाला ऑप्शन मैच कर रहा, अगर यहाँ पे एम रहता तो ये भी सही रहता, एन रहता तो ये सी वाला भी सही रहता, ओके। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ये भी आपको कराया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा कि इफ द सिस्टम रिड्यूसेस टू अ सिंगल फोर्स देन, तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो होता है, तो जो आपका सिस्टम है वो सिंगल फोर्स में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन ये भी देखिए आपको कराया गया था, देखिए अभी तक 13 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बस हम लोग ऐसा पाए हैं जो मैं नहीं कराया था, लेकिन अगर फिर भी आप देखेंगे तो जो आपको 11 नंबर क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट कराया था, बस वैल्यू ये नहीं था, इस वजह से वहाँ दूसरा रिजल्ट आया था, बाकी 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ा हुआ पाए हैं अभी तक, ठीक। अगर आपको मेरा सजेशन माने होंगे, अगर पढ़े होंगे तो 6 भी आप करेक्ट करके आए होंगे। 39 क्वेश्चन देखिए कह रहा कि द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस एफ अपान एल इज इक्वल टू वाई माइनस जी अपान एम इज इक्वल टू जेड माइनस एच अपान एन मे बी नल लाइन फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, देखिए डायनेम दिया है और पूछ रहा है कौन सा रिलेशन होगा, तो यर्थ नंबर क्वेश्चन का सॉरी 39 क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। 49 क्वेश्चन देखिए करा ये भी आपको कराया गया था, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फोर्स एंड अ कपल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स और कपल क्या कहलाता है आपका, रेंच कहलाता है, ओके। तो इसका क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट होगा, ओके। 49 क्वेश्चन का क्या होगा आपका, जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, ये क्या होगा आपका, रेंज का फॉर्मेशन करता है, जब फोर्स और कपल क्या करते का कॉम्बिनेशन होता है क्या बनता है, वहीं पे आपका रेंज बनता है, ओके। 59 क्वेश्चन देखिए ये भी आपको बताया गया था, 59 क्वेश्चन करा कि फॉर द कैटेनरी वाई इक्वल टू सी कास हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, ये देखिए इसका मैं बताया था, सॉल्व भी कराया था, 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, वाई इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए लेमिस थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेमिस थ्योरम किसके लिए अप्लाई होता है, 3 फोर्स के लिए जो एक पॉइंट पर लग रहे हों तथा क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, 16 का राइट होगा, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंजुगेट फोर्स आर कॉल्ड,
ये देखिए सब 16, 17 सब आपको कराया गया है, कंजुगेट फोर्स लग रहे हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या कहलाएगा, कंजुगेट लाइन कहलाएगा। 18 का क्वेश्चन ये भी देखिए आपको बताया गया था, स्टेबल अनस्टेबल हर एक कंडीशन बताया गया था। 18 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज ओके। 19 का रहा कि फोर्सेस एक्स वाई जेड एक्ट अलॉन्ग द थ्री लाइंस वाई इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू माइनस सी, जेड इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू माइनस बी। ठीक, ये देखिए वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, ठीक, ये आपके बुक से डायरेक्ट एग्जांपल से लिया गया है। ये 19 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा ओके। ए वाई एक्स प्लस बी वाई वाई प्लस सी वाई जेड इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। 29 क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको बताया गया था, 29 क्वेश्चन कह रहा कि अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2a रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल एंड अपॉन अ पेग एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम वॉल, देन द इंक्लिनेशन ऑफ द बीम टू द वर्टिकल एज। तो 20 क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा आपका, करेक्ट होगा ओके। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर, ये भी आपको सॉल्व कराया गया था, कितना आ रहा था, 2/5 mr² आ रहा था ओके। 22 भी देखिए एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया गया एग्जाम में, इतना एग्जैक्ट एनालिसिस करके एमसीक्यू आपको दिया गया था। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल डिस्क्राइब एन इलिप्स अंडर अ फोर्स म्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दिया है टूवर्ड्स द फोकस, इट इफ वाज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी वी फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स देन इट्स पीरियाडिक टाइम इज, तो कह रहा है इसका पीरियाडिक टाइम क्या होगा, 22 क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा आपका, करेक्ट होगा ओके। 23 क्वेश्चन देखिए, ये तो आपके लिए गिफ्ट है, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं जिसको आप गिफ्ट ही समझिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बताइए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैकेनिक्स में इसको पढ़ रखे हैं, ये क्या होगा आपका, 23 क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा ठीक। ये पैरेलल एक्सिस है और बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ठीक। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फॉर अ सेंट्रल ऑर्बिट, तो सेंटर ऑर्बिट आपको पता है बी इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी होता है, लेकिन यहाँ देखिए यू लिखा हुआ है, इससे कुछ कंफ्यूजन है। अब देखिए इसमें एग्जाम में क्या माना जाएगा, ए माना जाएगा या डी माना जाएगा, अब ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन वो मानेंगे, लेकिन हम लोग जो पढ़े थे क्या था, बी इक्वल टू एच बाई पी था ठीक। तो यहाँ देख लीजिएगा, अगर यू मिसप्रिंट होगा बी होगा तो ए करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज डी वाला ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा ओके। मुझे लगता है ए में भी होना चाहिए, वो छूट गया है, इस वजह से ए ही करेक्ट माना जाएगा, तो ये तो अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। देखिए 25 क्वेश्चन भी बताया गया था आपको पहले लेक्चर में मैकेनिक्स के, जो ऑब्जेक्टिव कराया था। 25 क्वेश्चन का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा ओके। 26 क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देखिए आपको बताया गया था कि द पैडल इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज, तो क्या होगा 26 क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका, करेक्ट होगा। देखिए 27 भी बताया गया था, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ क्या होता है, जो टी स्क्वायर होता है वो आर क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 27 का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका, करेक्ट होगा ओके। देखिए कितना क्वेश्चन आपको बताए हुए आए हैं। अब देखिए 28 क्वेश्चन भी आपको बताया गया था, आर डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ओके। देख लीजिए कितना ज़्यादा आपका मैच किया है एमसीक्यू से, इस वजह से मैं गला फाड़ फाड़ के कहता जब बताता था कि आप इन 4-4.5 घंटा को दीजिए और पढ़ के जरूर जाइए, अगर पढ़ के गए होंगे तो आज देख रहे होंगे आपका 35+ एमसीक्यू जरूर सही होगा। 29 क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको कराया गया है, इससे अलग अलग भी कराया गया और बताया था मैं इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट बताया गया था ये क्वेश्चन ठीक। 29 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो आएगा करेक्ट आएगा ओके। 29 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। 30 क्वेश्चन कह रहा कि अ सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ, ये भी आपको बताया गया है, सेंट्रल ऑर्बिट जो ऑलवेज होता है वो क्या होता है, प्लेन कर्व होता है, ये भी आपको कराया गया था। 31 क्वेश्चन पर रहा कि रिलेशन बिटवीन वी एंड एफ इज,
तो इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, या फिजिकल टू क्या होगा, भी डी वी बाई डी एक्स। ठीक, थर्टी टू नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन भी आपको कराया गया था, कह रहा है कि इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल देन इट्स पाथ इज द कर्व। 32 का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, इक्वी एंगुलर स्पायरल होगा। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस ये कराया था मैं, लेकिन एक इसका दूसरे फॉर्म में कराया था, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन अगर उसको आप किए होंगे तो ये भी कर ले जाएंगे, अगर नहीं भी किए हों तो आप 12 में इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैकेनिक्स में इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। बस क्या करना था, यक्स या वाई की जगह ए बाई टू रख देना था, एम्पलीट्यूड का आधा रख देना था, और अगर आप साइन रख के सॉल्व करेंगे टी बाई ट्वेल्व आएगा, लेकिन टी बाई ट्वेल्व ऑप्शन में मिल नहीं रहा है तो आपको कास रख के सॉल्व करना पड़ेगा, और कास रख के सॉल्व करेंगे तो टी बाई सिक्स आएगा। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको बताया गया था, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पीरियडिक टाइम ऑफ मोशन डिस्क्राइब बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होगा पीरियडिक टाइम, 34 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आप क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो है, 34 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, हम लोग देखिए 34 का सी करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इन टी सेकेंड इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू दिया गया है, कर रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो आफ्टर टाइम। इस तरह देखिए मैं क्वेश्चन कराया था, बस उसका क्वेश्चन दूसरा था और यहाँ पर दूसरे टर्म में पूछा हुआ है। ठीक, वहाँ पे इलास्टिक टर्म पूछा था, वी इक्वल टू क्या पुट करें, टी इक्वल टू क्या पुट करें, आप जाकर पलट के देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकाल के और क्या करिएगा, इसको जीरो कर दीजिएगा और वहाँ से टी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका क्या होगा, 35 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके ओके, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जब डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 12 टी और फिर क्या आएगा, 18 आएगा। आप यहीं से रख के डायरेक्ट वैल्यू रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं, t इक्वल टू अगर 1.5 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जिसका वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर आने लगेगा। यहाँ देख के आप रख लीजिए, जैसे t का वैल्यू 1.5 रखेंगे तो आपका क्या होगा, वैल्यू जीरो आने लगेगा। ठीक, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 12 टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करिए और इस वैल्यू को उठा कर रखेंगे, सेटिस्फाई करेगा और एक्सेलरेशन क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए आपको कराया गया था, 36 करा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व एट टाइम टी इज, ये भी देखिए आपको बताया गया था। जो 36 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन एंड लेमडा आर एंड म्यू थीटा देन द रेडियल एक्सेलरेशन। देखिए इससे आसान क्या हो सकता है आपका, डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, 37 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए आपको कराया गया था, करा कि इफ वी वन वी टू आर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्ड मोशन एट डिस्टेंस एक्स वन एक्स टू फ्रॉम द सेंटर देन द टाइम ऑफ कंप्लीट एक्सेलरेशन इज, इसका क्या होगा, 38 का ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको कराया गया था, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टर्म में नहीं कराया था, वी स्क्वायर और वी क्यूब के टर्म में कराया था, लेकिन जब ये आपको आ रहा है तो ये भी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, जी वाई के फॉर्म में आएगा। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 40 नंबर क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आपको बताया गया था कि द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी टी फॉर अ पॉइंट मूविंग अलॉन्ग प्लेन कर्व इज, तो 40 का क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। देखिए सभी क्वेश्चन आपको बताए गए थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ओके, ओके, थैंक यू।